गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे, यहाँ का बस तो व्यू अभी आपको दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। तो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ पे, यहाँ का बस तो व्यू अभी आपको दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके हैं, तो वहाँ से अभी हम आए हैं, वहाँ पे ऊपर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ये देखो, ये है हमारा जल महल। तो देखो कितना दूर से बढ़िया लगता है, लेकिन यहाँ पे अभी फॉग हो रखा है इसलिए कैमरे में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप यहाँ से देखते तो आपको सच में आप तंग रह जाते। तो अभी तो हम यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे, ये है प्रेम बाबू। तो अभी हम यहाँ पे फोटो वोटो क्लिक करेंगे, तो चलो अभी बाद में मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, तो आई एम हेयर विद माय न्यू ब्लॉग और आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो अभी हम जा रहे हैं नारगढ़, वहाँ पे जाके बनाएंगे अपन ब्लॉग, तो आपको पूरा दिखाते हैं। नारगढ़ एक महल है जयपुर में, यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे लगती है थोड़ी बहुत फीस अपने व्हीकल की, डिपेंड ऑन द व्हीकल कौन क्या लेता है। तो अभी हम यहाँ से टिकट करवाते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो देखो ये है स्टेप वेल, इसी स्टेप वेल की आप कहानी है, आपसे पढ़ सकते हो। ये देखो, जूम करके दिखाऊं मैं आपको, आज आप पहुंच करके पढ़ लेना। चलो अभी निकलते हैं हम यहाँ से। देखो कितना बढ़िया व्यू आ रहा है, यहाँ पे अभी फॉग हो रखा है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे देखो ये, और ये बैठे प्रेम बाबू, वोटो वोटो की जा रहे हैं। आज तो नागर आए हो? नहीं, नाके नहीं आया, नागर नहीं आए, ये नहाते नहीं है, ये 2 दिन में एक बार नहाते हैं, हराम खो रही है आदमी। तब क्या कर रहे हैं? और यहाँ से एक और रिवो दिखाऊँ आपको, ये छाए ही छाए, ये क्या है? जलमहल नहीं है, पागल, ताल कटोरा। हाँ। ये है ताल कटोरा। तो चलो अभी निकलते हैं अभी हम यहाँ से। वो देखो बोरा गणेश जी का मंदिर, जूम करके दिखाओ, ये देखो गणेश जी का मंदिर ऊपर। तो चलो अभी फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी हम यहाँ पर आए हैं ऊपर, यहाँ से आपको वेल दिखाए थे, तो अभी तो हम फोर्ट में गए थे, लेकिन फोर्ट तो अभी हो रखा है बंद, वो खुलेगा 10 बजे, तो हम जाएंगे 10 बजे। तो हमने सोचा थोड़ी देर फोटो वोटो खींच लेते हैं और यहाँ पर घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो चलो फिर आपसे मिलते हैं बाद में। वैसे अभी हम खड़े हैं फोर्ट के बाहर और अभी हमारे को लग रही थी भूख, तो हम थोड़ा सा शांति खा रहे हैं, फिर अभी बस खा के बस अंदर ही जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं, चलो फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अंदर फोर्ट के अंदर, चलो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर है टिकट सेक्शन, वहाँ से टिकट लेंगे, फिर आपको मिलते हैं अंदर जाके। ठीक है अंकल, धन्यवाद। तो यहाँ से मिल चुकी है एंट्री, अभी हम जा रहे हैं अंदर, तो टिकट दिखा प्रेम। तो ये देखो ऐसी कुछ टिकट है, खाली कागज दिए 100 रुपए के नाम से।
कोई दिक्कत नहीं है, घूमेंगे अभी अपन, पूरे मजे लेंगे। ये क्या है? ओ तेरा ध्यान किधर है? जयपुर वैक्स म्यूजियम इधर है। ओहो क्या बात है, तो यहाँ पर एक और स्टेप वैले देखो यार कितने बढ़िया, मतलब तो इतनी छोटी छोटी सीढ़ियों में से ये जाते कैसे होंगे नीचे। एक और स्टेप वैले, चलो अपन निकल। एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ, पूरा बताने कैसा था। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, और बढ़िया बढ़िया वीडियोज आएगी अभी। ये देखो सबसे पहले तो आप व्यूज देखो, ये देखो यहाँ से दिखता है पूरा जयपुर। ऐसा है एंट्री महल की। टिकट दिखानी है? टिकट दिखा। अरे सफेद वाली डिकार छापो डिकारी। पार्टी में सॉरी पार्किंग भी आगे नहीं है। यस दो L1 ए नहीं है। यहाँ से है एंट्री, प्रेम बाबू ने ले लिया एंट्री, एकदम नवाबों की तरह ही है आज तो। देखो यहाँ पे ये पड़ी व्हील चेयर, यहाँ पे अभी प्रेम के हाथ पे तोड़ूंगा फिर इसको बिठाया जाएगा। ये देखो भाई क्या हाल है, बढ़िया बना हुआ है यार। वैसे तो कितने का होगा ये, वैसे खरीदना हो तो कितने का ले सकता है? ये है सेंटर, यहाँ से देखो पूरा एंट्री गेट दिखता है। यार कांच वाच लगा रखे हैं एकदम प्रॉपरली, फेरी भी लगने वाला है। आर्किटेक्चर देखो भाई तुम्हें आगा आर्किटेक्चर, तो गाइस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लेकिन आगे है हिस्ट्री विद द सिनेमैटिक, तो वो देखना मत भूलना, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। Nargarh Fort stands on the edge of Aravali Hills, overlooking the Pink City, along with Amer Fort and Jagat Fort. Nargarh once formed a strong defensive ring for the city. The fort was originally named Sudarshangarh, but it became known as Nargarh, which means abode of tigers. And let me tell you why it is known as Nargarh. The popular belief is that Nar here stands for the Narsingh Bhumiya, whose spirit haunted the place and obstructed construction of the fort. Nar's spirit was pacified by building a temple in his memory within the fort. That's why it is known as Nargarh Fort. It was built by Maharaja Savai Jai Singh in 1734.